नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पाकिस्तान पर भारत का सर्जिकल स्ट्राइक। पाक की धरती पर जाकर मारे आतंकी। डीजीएमओ बोले आतंकियों के मौजूद होने की थी पुख्ता जानकारी। नवाज शरीफ ने भारत की कार्रवाई की निंदा की। तोड़ा जा सकता है भारत पाक के बीच सीज फायर समझौता। पीएम ने सुरक्षा पर की बैठक। पाकिस्तान ने भारत पर दो सैनिकों को मारने का लगाया आरोप। पाक के मोस्ट फेवर्ड नेशन के मुद्दे पर पीएम मोदी की बैठक टली। अरब सागर में 3 दर्जन युद्धपोतों और जहाजों के साथ उद्याभ्यास की तैयारी। पाक ने दी है परमाणु हमले की धमकी। जॉन कैरी ने सुषमा स्वराज से की बात। कहा भारत के साथ खड़ा है अमेरिका। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने दोभाल को किया फोन। उड़ी आतंकी हमले की कड़े शब्दों में की निंदा। और मानहानि मामले में असम के कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। कहा संघ के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। अदालत ने 50,000 का बॉन्ड भरवा कर छोड़ा। उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक की है। रणवीर सिंह ने कहा कि भारत ने बहुत ही विश्वसनीय जानकारी के बाद पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी के ठिकाने पर हमला किया। डीजीएमओ ने कहा भारत को पुख्ता जानकारी मिली कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल पर लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठे हुए हैं और इस मकसद से कि भारत में हमला करने के लिए हैं, तो भारत ने सीमा के उस पार सर्जिकल स्ट्राइक की है। रणवीर सिंह ने कहा कि भारत किसी भी कीमत पर एलओसी पर नुकसान को कबूल नहीं कर सकता। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस मामले में भारत का समर्थन करेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है मेट्रो टीवी के चीफ एडिटर सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, सबसे पहले ये बताइए कि भारतीय सेना ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को किस तरह से अंजाम दिया। जी हाँ अनामिका जी, आपको मैं दिखाना चाहूंगा अपने स्क्रीन पे कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पीओके पे हमला किया। हमला ना कहें, इसे सर्जिकल स्ट्राइक कह सकती हैं आप। ये देखिए, ये 3 इलाके हैं, यहां पे केल, लीपा और भीमबर, ये तीनों ऐसे जगह हैं जहां से भारतीय सेना के जांबाज कमांडोज अंदर घुसे। पीओके में करीब 3 किलोमीटर तक अंदर घुसे और अंदर घुस करके उन्होंने ऐसी तबाही मचाई आतंकियों के कैंप पे कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी और ये जानेगी और ये समझेगी कि किस तरीके से जब भारत पे कोई खतरा, किसी तरह का हमला होता है तो किस तरह से भारतीय सेना के कमांडोज आगे बढ़कर के कार्रवाई करने में सक्षम है। आप देख सकते हैं यहां पे, इस मैप में आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है और इसी के अंदर में देर रात हमारे भारतीय सेना के जांबाज कमांडोज अंदर घुसे, करीब 3 किलोमीटर तक अंदर घुसे और 5 आतंकी कैंपों पे हमला किया जो उनके लॉन्च पैड थे। बार बार भारत ये बताता रहा था पाकिस्तान को कि अपने क्षेत्र में चल रहे आतंकी शिविर को खत्म करो, बर्बाद करो, और पाकिस्तान बार बार ये दावा करता रहा था कि हमारे पास, हमारे पीओके में कभी भी कहीं भी आतंकी गतिविधि नहीं चल रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात पाकिस्तान पुरजोर तरीके से उठाता रहा, लेकिन जब रात में हमारे सेना के जांबाज कमांडोज 3 किलोमीटर तक अंदर घुसे तो पता चला कि किस तरह से आतंकी शिविर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में काम कर रहे थे और किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी। आज जो डीजीएमओ है लेफ्टिनेंट कर्नल रणबीर सिंह और विदेश मंत्रालय की जो संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है उसमें रणवीर सिंह ने साफ साफ कहा है कि उनके पास ये पूरी तरह से जानकारी थी कि कई आतंकवादी सीमा पार से भारत में घुसपैठ करने की फिराक में थे। यानी कि एक तरह का हमला, जिस तरह से उरी में आतंकवादियों ने घुस करके हमारे 18 जवानों को शहीद कर दिया था, उसी तरह का हमला करने की फिराक में थे कुछ आतंकवादी। लेकिन ये जानकारी मिलते के साथ भारतीय सेना हरकत में आई, उन्होंने अपने कमांडोज को भेजा और 5 आतंकवादी शिविरों पर हमला किया और कई आतंकवादी, हालांकि पाकिस्तान ये नहीं बताएगा कि कितने आतंकवादी मारे गए, क्योंकि वो हमेशा से ये कहता रहा है, हमेशा से इस बात को झुठलाता रहा है कि उसके ऑक्यूपाइड कश्मीर में किसी तरह की आतंकी गतिविधि चल रही है। इसलिए
उससे यह बात जान पाना बहुत मुश्किल होगा कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि कमांडोज ने अंदर घुस करके कार्रवाई की और वहां पे कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। और इस पूरी कार्रवाई को, कमांडोज की इस पूरी गतिविधि को नजर रखने के लिए वॉर रूम में मौजूद थे हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने पूरी कार्रवाई को देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी जानकारी बाद में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, गवर्नर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति तक को दी। उन्हें बताया कि किस तरीके से भारत के, भारतीय सेना के कमांडोज ने कार्रवाई की है। भारतीय सेना ने जो ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है, क्या ये अचानक उठाया गया कदम है या फिर इसके लिए पहले से ही तैयारी की गई थी? बिल्कुल अनामिका जी, आपके सवाल बड़े अच्छे हैं। मैं बता दूं कि ये किसी भी तरह से जल्दबाजी में या अचानक उठाया गया कदम नहीं है। इसके पीछे एक पूरी तैयारी है, एक कूटनीति है, जिसके बाद भारतीय सेना ने भारतीय सरकार के निर्देशों पर कार्रवाई की है। क्योंकि एक दिन पहले की बात कर लें तो जो अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार हैं सुजान राइस, उन्होंने बात की थी हमारे यहाँ के भारत के जो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से। उन्होंने खास तौर से ये डोभाल जी को कहा था कि हम हर तरह से उरी में जो हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, उसकी निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति ओबामा जी ने भी यही प्रतिक्रिया दी थी, जर्मनी से यही प्रतिक्रिया आई थी, फ्रांस से यही प्रतिक्रिया आई थी, इंग्लैंड से यही प्रतिक्रिया आई थी। मतलब ये जो उरी में जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे 18 जांबाज जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद से भारत सरकार ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीति से बाकी के देशों को अपने साथ खड़ा किया, यहाँ तक कि सार्क सम्मेलन को रद्द करने की नौबत आ गई, उससे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये अचानक उठाया गया कदम है। आपको बता दूं कि इससे पहले प्रधानमंत्री 2 बार वॉर रूम में जा चुके थे और जिस तरह से युद्ध के पहले की तैयारियां होती है, मोदी ने जाकर के उस तरह की तैयारियां देखी थी। वहां पे सेना, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे वॉर रूम में और पूरी तैयारियों का जायजा लिया था मोदी जी ने, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई करती है सेना, तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान पलटवार करे, उसके बाद पाकिस्तान के पलटवार करने के बाद ऐसी नौबत आ सकती है कि भारत और पाकिस्तान में एक तरह से युद्ध छिड़ने की नौबत आ सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने काफी सोच समझ के कदम उठाया और यह शायद पहली बार है जब भारतीय सेना के जांबाजों ने इस तरह से पाकिस्तान में घुस करके, 3 किलोमीटर अंदर घुस करके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें 3 किलोमीटर अंदर घुस करके इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले कभी भी हमले हुए तो इस तरह की सर्जिकल ऑपरेशन की नौबत कभी नहीं आई और कभी भी किसी भी सरकार ने इस तरह की मतलब शांति का वक्त चल रहा है, अभी सीज फायर का वक्त चल रहा है, और ऐसे वक्त में कभी भी सेना ने कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं की। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि किसी तरह बहुत अचानक में या बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम था, बल्कि ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का ये कदम भारत सरकार के निर्देश पे भारतीय सेना ने उठाया है। पाकिस्तान इस सर्जिकल स्ट्राइक को किस तरह से देखता है और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है? देखिए, पाकिस्तान कभी भी, जैसा मैंने पहले भी बताया, कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि उसके ऑक्यूपाइड कश्मीर में किसी तरह की आतंकी गतिविधि चल रही है। इसलिए ये आज की तारीख में, जबकि हमारी सेना ने, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस तरह के खुलेआम कह दिया, पूरे विश्व को ये जानकारी मिल गई कि भारतीय सेना ने POK में घुस करके, 3 किलोमीटर अंदर घुस करके सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, इसके बावजूद पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। हालांकि वो ये मान रहा है कि LOC पे मतलब गोलीबारी हुई है, भारत ने अपनी तरफ से गोलीबारी की है, और लेकिन उसको एक बहुत ही रूटीन सा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। पहले तो जो वहाँ के खुफिया एजेंसी है वहाँ की, वो ये पहले बताती है कि हाँ, हमारे यहाँ कार्रवाई हुई है, यहाँ पे 3-4 जगहों पे, जो मैंने पहले बताया आपको कि 3-4 जगहों पे भारतीय सेना अंदर घुसी थी और उसने कुछ कार्रवाई की है, और पाकिस्तान की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना की गोलीबारी में उसके सेना के दो जवान मारे गए हैं। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके क्षेत्र में घुस करके जो कमांडोज ने कार्रवाई की है, उससे वहाँ कई आतंकवादी मारे गए और 5 आतंकवादी शिविर तबाह हो गई है। और जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें अब ये हालात बनने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह का युद्ध छिड़ने की नौबत आ जाए, क्योंकि अभी जो ताज़ा हालात बने हैं उसके आधार पे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 राज्यों को ये हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि सीमावर्ती 10 किलोमीटर की जगह को खाली कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है
अगर आप इसको बहुत गंभीरता से सोचें, एक रणनीतिकार की तरह से सोचें, तो यह बहुत बड़ी बात है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 राज्यों की सरकारों को यह कह दिया है कि आप सीमावर्ती इलाके से 10 किलोमीटर की जगह जो है वो खाली कर दें। ऐसे निर्देश, इस तरह के आदेश उसी वक्त आते हैं जब युद्ध छिड़ने की नौबत आ जाए। और जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बयान दे रहे हैं, उन्होंने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस बात की निंदा की है, लेकिन एक तरफ ISI कहती है कि नहीं, ऐसी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस तरह की कुछ हुआ ही नहीं है। फिर इस तरह का जो बहुत ही हास्यास्पद सा एक वातावरण बनता जा रहा है पाकिस्तान में कि हुआ या नहीं हुआ, सरकार कह रही है कि हुआ और उसकी हम निंदा करते हैं, और जो वहाँ की सेना है या वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। माने भी तो कैसे, उन्हें ये मानना बड़ा ही मतलब अखड़ सा रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। भारत की सेना, भारत के कमांडोज हमारे क्षेत्र में घुस करके हम पे हमला करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लगभग यही खिसियाहट, यही झुंझलाहट पाकिस्तानी सेना में है, इसलिए वो तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। लेकिन भारत ये मान के बैठा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत करना चाहेगा पाकिस्तान, जिससे कि एक युद्ध जैसा वातावरण पैदा हो जाए। लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की रणनीति हमेशा से यही रही है, चाहे वो सन 1961 की लड़ाई हो, सन 1965 की लड़ाई हो, या सन 1976 की लड़ाई हो, हमेशा से ही उनकी ये एक तरह से रणनीति रही है कि पहला वार हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो सामने से वार करता है कोई दुश्मन तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये रणनीति शुरू से ही भारत की सेना की रही है और भारतीय सरकार की रही है। और जैसा कि पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने कहा था कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर सामने से गोली चली तो हमारी सेना कितनी गोलियां चलाएगी इसकी गिनती भी हम नहीं करेंगे। इस तरह की बातें रही है भारत की तरफ से, और पाकिस्तान अभी किसी भी तरीके से कोई पुख्ता प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हो सकता है, आप देखिएगा अगले 2-4 घंटे में या अगले 1-2 दिन के अंदर वहां की जनता हो सकता है सड़क पर उतर आए, क्योंकि उन्हें साफ साफ यह एहसास हो रहा है कि वाकई कुछ हुआ है और पाकिस्तान उस सिचुएशन को हैंडल करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना को अंदर घुसने से रोकने में नाकाम रही है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती है, इस तरह की चीजें सड़कों पे आपको दिख सकती है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जगत पे बहुत दिनों से ये बात उठती रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं क्यों इतने विदेश दौरे कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त आ गया है कि आप समझ पाए कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी क्यों विदेश की यात्राएं कर रहे थे। आखिरकार ऐसे हालात बने, और ऐसे हालात शायद पहली बार बने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर चीज पे, हर तरह से रणनीति पे भारत को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि भारत पहले केवल इसलिए इस तरह की जो साहस है, जो वीरता है, जो इस तरह की कार्रवाई करने का जो जज्बा होता है वो नहीं दिखा पाया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति पहले बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूती के साथ में हमारी भारतीय सरकार उभरी है, और हमारी भारतीय सेना का दमखम दिखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जिस तरीके से अभी भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास चल रहा है, उसने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि हाँ, भारतीय सेना में जज्बा है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, और वो हर तरह से सक्षम है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के इस कार्रवाई का समर्थन ही हो रहा है, क्योंकि आज एक तरह से ये मैसेज जा चुका है, एक संदेश जा चुका है कि किसी भी तरह के आतंकवाद को पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है, अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, लेकिन पूरा विश्व इस चीज को नकार चुका है, पाकिस्तान के इस लहजे को नकार चुका है कि किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि अगर आतंकवादियों को घुस करके भारतीय सेना मार रही है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सराहना की जा रही है, और लगातार इस बात के लिए भारत को समर्थन ही मिलेगा, किसी तरह की गलत प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की जा सकती है। धन्यवाद सुरजीत जी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो TV के साथ। नमस्कार।